जस्सी सर। हेलो। हेलो मीरा, कैसी हो? हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसे फोन किया? ओ, मैंने भी इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। ओ, नहीं, तो उसे नहीं, फोन पे बात कर रहा हूँ। चलो। नहीं, वो क्या है ना कि मैं तक की प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही मुझे कहीं। तुम्हारे पास है? अच्छा सर, वो उसकी तो पीपीटी मैंने रेडी रखी है लेकिन डी ड्राइव में है। सर आपको नहीं मिलेगी, मैं आके बताती हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के लिए तो मैं केरला से यहाँ बुलाऊंगा। मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं तो केरल में हूँ ना। एक्चुअली सर मैं एक मिनट के लिए भूल ही गई थी, मुझे ऐसा लगा मैं मुंबई में हूँ। सर बहुत टाइम से मैं मुंबई से बाहर नहीं गई ना, शायद इसलिए कंफ्यूज हो गई। कोई नहीं बेटा, एंजॉय करो, एंजॉय। ऑफिस की बिल्कुल चिंता मत करना तुम, ठीक है ना? और वो प्रेजेंटेशन अगर तुम्हारे लैपटॉप पे होगी ना तो उसे ईमेल कर देना मुझे। हाँ सर ये सही रहेगा, मैं अभी आपको एक मेल कर देती हूँ। वैसे बेटा सॉरी, यहाँ तुम्हें हनीमून के टाइम डिस्टर्ब कर दिया तो। सर बाय। ओके बाय। आई सी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मीटिंग, क्या हुआ तुम्हें अभी, तो इतना लेट क्यों आए? अब मैं तो टाइम पे हूँ। आई सी, लेकिन वो टाइम पे नहीं हो जिस टाइम पे मैंने तुम्हें बुलाया, राइट? हाँ, एक्चुअली मैं 42 सेकंड्स लेट हूँ। वेरी फनी, मे बी ऑन अनदर डे। वैसे क्या बात है, अभी आज तुम ऑटो से आए हो, सब ठीक है ना? मतलब एवरीथिंग फाइन? मतलब कि तुम्हारी गाड़ी नीचे पार्किंग में नहीं थी तो मुझे लगा कि तुम ऑटो से आए हो, और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया तुमसे। नहीं, 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 नहीं।